खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है, जहां पर चंदा न मिलने पर दुकानदार को चाकू मार दिया गया। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर सावधि चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। जनपद बहराइच में दुर्गा पूजा समिति के एक सदस्य ने व्यापारी से मनचाहा चंदा न मिलने पर खौफनाक कदम उठाया। चंदा न मिलने से नाराज समिति के सदस्य ने दुकानदार के बेटे रंजित मनसानी को चाकू मारकर घायल कर दिया। पिता की तहरीर पर नगर कोतवाली की पुलिस ने चाकू बबाज आरोपी रवि चौरसिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। चंदा न मिलने पर समिति के सदस्य द्वारा इस तरह की शर्मनाक व खौफनाक कृत्य पहली बार देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से ये बड़ी व अहम खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर चंदा न मिलने से नाराज शख्स ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 22/9/2022 को रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होती है कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानूनगोबुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा एक दुकानदार को चाकू मार दिया गया है। जब इस पर जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा है वो दुर्गा पूजा कमेटी का एक सदस्य है और उसके द्वारा जो है चंदा मांगने के लिए वो गया था, और जब चंदा देने से दुकानदार ने मना किया तो इस बात पर वो नाराज होकर के और उनसे बात बयाश हुई और उसने चाकू से प्रहार किया और पुलिस तत्काल जो है सूचना पर पहुंची और तहरीर। ये आपको कैसे चोट लगी? सर, तो रात की बात है, तो रात में हम लोग निकल रहे थे, चंदा मारने वाले जो लोग आते हैं चंदे की वजह से उन लोगों ने ये किया है। धर्म के नाम पर ऐसे मारपीट हुई है, हम जानते हैं उन्हें, दारू पीने वाले लोग हैं, उनकी वजह से हुआ ये। लोग किस तरीके का चंदा वो मांग रहे थे? दुर्गा पूजा था। अच्छा जी। फिर हुआ ये, पापा अपने उससे दे रहे थे, पता नहीं कितना दे रहे थे 100-200 जितना भी, भाई वो अपनी मर्जी होती है जितना देना है, वो बोल रहे नहीं इतना आप दो, इतना ज़्यादा 100-200 ज़्यादा 1000, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी वजह से, उसी कारण से उन लोगों ने ये रात में अटैक किया चाटू से, नाइफ से। फिर तो नाइफ से अटैच हुआ, हमें पहले ले चल रहे हैं उधर हॉस्पिटल, पहले ये सही करवाया गया है, उसके बाद FIR फाइल हुई है।